हेलो ऑल फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल जिंदगी ज़रा मुस्कुराना। और फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस गार्डन में आपके साथ मिलकर ग्रो करने जा रही हूँ ये प्यारा सा फ्लावर प्लांट का सीड। तो फ्रेंड्स, ये है लोटस, पद्म, पंकज, कमल, इन सभी नामों से जाने वाले फ्लावर प्लांट के सीड का। फ्रेंड्स, इंडिया का नेशनल फ्लावर भी कमल है, लोटस है। और इस फूल को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं इसे आपके साथ ग्रो कर रही हूँ और इसे किस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं, ये सारा कुछ जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, देखते रहिए पूरे प्रोसेस को। और प्लीज़, जो नए सब्सक्राइबर फ्रेंड मेरे जुड़ने जा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीड को लेकर उसकी आँख वाले हिस्से को आप इस तरीके से रेतीले कागज में बहुत अच्छे से रगड़े या फिर किसी भी खुरदरा सरफेस में बहुत अच्छे से रगड़े। इसके बाद इसे पानी में आप डाल दें। आफ्टर 7 डेज ये है रिजल्ट। इसमें ये देखिए कितने अच्छे से अंकुर निकलकर बाहर आने शुरू हो गए हैं। जो खराब बीज होंगे फ्रेंड, वो पानी के सरफेस पर तैर आएंगे और जो हेल्दी सीड्स होते हैं उन्हीं से प्लांट ग्रो करता है और बाकी सीड्स बस बेकार हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सीड्स से छोटे छोटे प्लांट्स निकल कर आ जाते हैं 7 और 8 दिन में। आफ्टर 15 डेज ये है रिजल्ट। ये देखिए इसके कितने अच्छे से जो लीव्स हैं वो बाहर निकल कर आने लगे हैं और ये अब पानी के सरफेस में आना शुरू कर गए हैं। तो इन्हें मैंने अब निकाल कर डाला है एक लंबे बड़े ग्लास में ताकि ये ऊंचाई में आराम से बढ़ सके। और ये देखिए इनमें आने शुरू हो गए हैं छोटे छोटे और लीव्स भी। और आफ्टर 15 to 20 डेज इसमें हल्के से जड़ें भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इनके लीव्स कितने लंबे लंबे निकल आए हैं और साथ में कुछ और भी लीव्स हैं। और ये देखिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से इस तरीके से पानी में इनकी जड़ें ग्रो करके बाहर आना शुरू हो गई हैं। तो अब ये वक्त है कि अब आप इसकी जो है वो बड़े कंटेनर में अब आप इसे लगा दें ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए पूरी जगह दें। तो चलिए फ्रेंड्स, ग्रो करते हैं इन्हें एक बड़े से कंटेनर में। तो यहाँ देखिए मैंने कंपोस्ट और मिट्टी का मिश्रण बना कर के लेयर लगाया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी देकर मिट्टी को नरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं इन प्लांट्स को लगा दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यूज़ किया है थर्मोकॉल का ये बड़ा सा बॉक्स जो कि इनको काफ़ी जगह देगा ग्रो करने के लिए, इनकी जड़ों को, इनके ट्यूबर्स को फैलने के लिए। लोटस को हम 2 तरीके से उगा सकते हैं फ्रेंड्स, एक ट्यूबर के माध्यम से, एक सीड्स के माध्यम से। तो ट्यूबर अगर मिल जाता है तो आप ट्यूबर को डायरेक्ट इस तरीके से मिट्टी को तैयार कर पानी डालकर उसके अंदर आप लगा दे सकते हैं। और चूंकि मैंने सीड से ग्रो किया है, आप देख रहे हैं अब प्लांट्स में लीव्स के साथ साथ जड़ें भी निकल कर आ गई हैं। तो अब इन्हें बड़े कंटेनर में प्लेस कर देना ज़रूरी है। तो ये रहा मिट्टी और कंपोस्ट का एक मिक्सचर। और अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ ये बेबी प्लांट को जो कि लोटस का है। और इसमें ये देखिए छोटी छोटी जड़ें निकल आई हैं। तो अब मैं इन्हें बस कीचड़ वाली जो कंपोस्ट और मिट्टी का मिक्सचर है उनके नीचे इनके बीजों को दबाते जाऊंगी। और ये बड़ा कंटेनर है तो यहाँ काफ़ी जगह है। और फ्रेंड्स, इतने सारे सीड्स में से सिर्फ 3 ही सीड जर्मिनेट किया है तो मुझे 3 प्लांट मिले हैं और
इन तीनों को मैं एक ही कंटेनर में फ़िलहाल ग्रो कर रही हूँ। आगे जब ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा तब मैं इन्हें अलग अलग कंटेनर में प्लेस करूँगी। फ़िलहाल मैं इन्हें एक ही कंटेनर में लगा रही हूँ। और ये जो सफ़ेद झाग सा आप देख रहे हैं पानी में, इन्हें मैं साफ करके बाद में निकाल दूँगी। फ़िलहाल अभी मैं प्लांट को मिट्टी में, इन सीड्स के जड़ों को मिट्टी में हल्के हाथों से दबा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोटस के सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट को। कई बार फूल वाले जो फूल बेचते हैं उनके पास भी ये सीड्स मिल जाते हैं, और आप इन सीड्स को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या फिर आप इन सीड्स को दशकर्मा भंडार यानी कि जहाँ पूजा की सामग्री मिलती है वहाँ भी ये सीड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी सीड को आप जो है वो संग्रह कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं इस पानी को थोड़ा सा बैठने देती हूँ, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, इनके लीव्स कितने अच्छे से खुलकर बाहर निकलकर पानी के सरफेस में फैले हैं। और ये है फ्रेंड वो कंटेनर जिसके अंदर मैंने लगा के रखा है, और अभी मैंने बहुत ज़्यादा पानी फिल नहीं किया है इसमें, क्योंकि धीरे धीरे मैं इनके ग्रोथ के साथ पानी को भी बढ़ाते जाऊंगी। तो ये रहा बड़ा कंटेनर जैसा आप देख रहे हैं, और इसके अंदर है वो छोटे बेबी प्लांट्स, और अब ये धीरे धीरे अपने पत्तों को खोलना शुरू कर रहे हैं। पानी के सरफेस पर तैर कर इनकी पत्तियाँ आना शुरू की है, और ये नए बेबी प्लांट्स बस कुछ ही दिनों में अपने आप को इस नए बड़े कंटेनर में एडजस्ट कर लेंगे और अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे। बड़ा जगह है इसलिए इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए, इनकी पत्तियों ने खुलना शुरू कर दिया है, पानी भी थोड़ा साफ हो गया है क्योंकि मिट्टी और झाग नीचे बैठ चुके हैं। अब जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता जाएगा मैं पानी को भी बढ़ाती जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और आप आसानी से लोटस को अपने गार्डन में मेरे साथ ग्रो कर लेंगे। आप